भाई ये वाला हेलीकॉप्टर है जो क्या प्यारा है। तो भाई इस बार तो रेट बढ़, उधर भी टेंट्स वगैरह अब तो काफी बन चुके हैं। तुमने दबा दिया? तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। क्या हाल चल मेरे साथ प्यारे भाई? उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे, अपने घर होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस अभी हमें सोन प्रयाग में और सुबह के बज रहे हैं भाई 7:20। सुबह 4 बजे जाने का प्लान था और आज 7:20। अरे चल जा भाई, 7:20 हो चुकी है, पराठे चाय पी चुके, पराठे खा लिए, चाय पी चुकी और मौसम थोड़ा साफ है अभी। मतलब हेलीकॉप्टर उड़ने चालू हो गए, कहाँ से वो रहा हेलीकॉप्टर वहाँ पे, और हेलीकॉप्टर उड़ने चालू हो गए, मौसम थोड़ा क्लियर है अभी। जब हम सुबह उठे थे जब मौसम थोड़ा ऐसी था, अभी नहाए धोए जा रहे गोरीकुंड जाके नहाएंगे। अभी यहाँ से 7 किलोमीटर में टैक्सी करनी है, फिर वहाँ जाके गोरीकुंड नहाएंगे, फिर उसके बाद चढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से, और बाकी भाई टूरिस्ट आ रहे हैं पर इतना ट्रैफिक नहीं है कि भाई बहुत हवा मचा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर जाके और जाके पता चलेगी। तो चलते हैं, सारे तैयार हो चुके हैं, नहाए धोए कोई नहीं, सब गोरीकुंड नहाएंगे। तो भाई आ चुके हैं सोन प्रयाग, यहाँ होता है रजिस्ट्रेशन और अभी जा रहे हैं गाड़ी में बैग वैग रखने, मेयर गोली जा रहे हैं कि हमारे दोनों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हमने 8 आदमियों का रजिस्ट्रेशन करा था, 8 आदमियों 2 ही आदमी आए हम, और आ भी रहे थे स्कॉर्पियो से, वो भी नहीं लाए। बट गाड़ी मैटर नहीं करती, मैटर करता है इंसान, इंसान में कितना जिगरा है वो मैटर करता है। बाकी देखो भीड़ बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भीड़ नहीं है, और मौसम इतना प्यारा, ओए होए क्या ही मौसम है तगड़ा वाला। अब तो जा रहे हैं, गाड़ी में बैग वैग रख दे, मैं चप्पल पहन रहा हूँ कि जूते पहन लें, बाकी इन्हीं कपड़ों में करेंगे ऊपर जाएंगे। अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि ट्रैक करूँ या घोड़े को, बट ये गोलू भाई जा रहे हैं हमारे साथ, बैग रख रहा है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन दोनों का रखा, बस उन्हें तो ऐसे उठा के लिया है हम। तो भाई यहाँ थोड़ी सी टैक्सी की लाइन लगी हुई है इस ब्रिज से और यहाँ तक ही लगी है, यहाँ तक ही बस इतनी लाइन लगी है। बाकी आज इस बार मैनेजमेंट करवाया, ग्रिल वगैरह लगाई हो पीछे से बिल्कुल, और रजिस्ट्रेशन स्कैन होते भाई, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो आपका स्कैन, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। बाकी ये ग्रिल वगैरह लगाई हुई है पूरे पीछे से ऐसे ही, और ऊपर मौसम ख़राब होता है तो टैक्सी करते हैं, जिन्हें टैक्सी नहीं करनी पैदल जाना है, 7 किलोमीटर पैदल चल के फिर भाई आगे गोरीकुंड से चढ़ाई है। हम गए थे एक बार यहाँ से भी, यहाँ से नहीं हम सीतापुर से आए थे पैदल चढ़ते हुए, यहाँ भी पैदल टैक्सी नहीं मिली, ये वो मतलब काफ़ी टाइम से आ रहे हैं ना, तो भाई हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, हर तरीके से एक्सपीरियंस हो गया, हर मौसम का एक्सपीरियंस हो गया। तुमने दबा दिया? कोई दबाया? चालू बन रहा है, अब तुम्हारी पिक्चर बन रही है। और वैसे एक चीज कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा। विनोद ए विनोद चल लीजिएगा, जूम नहीं होता क्या इसमें? जूम नहीं होता गोरीकुंड पहुँच चुके हैं, और 1 किलोमीटर पहले उतर गए थे हम गाड़ी पे से, क्योंकि चला के नहीं दे रहे भाई, यहाँ की यूनियन आने बहुत ख़राब है, टैक्सी चलाने के लिए तैयार नहीं, जिससे सवारी परेशान हो उतर के चलते हैं।
ये सीन होता। और यहाँ भीड़ है थोड़ी सी गौरीकुंड में। तो भाई हम पहुँच चुके हैं कुंड के पास। ये रहा यहाँ पे कुंड, गौरीकुंड जो कहते हैं। और यहाँ जेंट्स का है, आगे लेडीज़ का है नहाने का। बाकी ये छोटा सा कुंड है, ऊपर से शेड डाल दी अब तो, पहले शेड भी नहीं थी, ओपन था। तो भाई इस बार तो रेट बढ़ चुके हैं घोड़े के। पहले 2950 में जाता था, अब 3050 घोड़े का होगा। 150 रुपये आपका प्लस व्यवस्था शुकूल हो गया, 3200 रुपये का होगा टोटल, यानी गौरीकुंड से घोड़ा। अब रेट बढ़ चुके हैं इस साल। हमने ले लिया कार्ड, हमारी कर चुकी है पर्ची 3200, पूरे 3200 रुपये की। अभी चलते भाई, सुबह के बज रहे हैं 10:08 हो गई, 10 बज गए। और सुबह 4 बजे जाने वाले थे, और कहाँ 10 बज गए। अभी गौरीकुंड में ही, और अभी गौरीकुंड में ही है, यहाँ से अभी ऊपर चढ़े ही नहीं। कोई नहीं, चढ़ेंगे भाई। भाई का बैग लेके जाना मुझे, और मैं अपना तो लेके जाऊंगा, भाई का भी लेके जाऊंगा, इसलिए वो दोनों आगे गए जल्दी, थोड़े आगे। अब तुम पकड़ नहीं पाओगे। नहीं बोले आगे उतरा हूँ। तो भाई ये आ चुका है यहाँ से श्री केदारनाथ जी का प्रवेश गेट। यहाँ से प्रॉपर चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियल। यहाँ ये स्लिप चेक करते हैं। यहाँ जो हम 3200 रुपये की पर्ची कटाई है उसका चार्ज है, और बाकी अपनी घोड़े पे बैठ चुके हैं। भाई अब मन नहीं करता पैदल चलने का, देखो यार आदत की बात है, घर भी हम पैदल नहीं चल पाते, अब तो बाइक गाड़ी उनसे ही चलना होता है हमेशा, तो अब आदत नहीं रही, तो इस वजह से मुश्किल है। कर ली हमने पैदल, पहले भी कर ली, और ब्लॉग में इसलिए ज़्यादा नहीं बना रहा अभी, जो अगर नई इन्फॉर्मेशन है उसी के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर वैसे मैंने बहुत ब्लॉग बनाए हुए हैं भाई, बहुत बार आ चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ के ब्लॉग नहीं बना रहा। जो कोई नई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अब 3200 रुपये चार्ज हो गया, पहले 2950 चार्ज था। और हेलीकॉप्टर का कम हुआ है रेट, हेलीकॉप्टर का मैं ऊपर जाके कन्फर्म करूँगा क्या रेट था, क्योंकि हेलीकॉप्टर का कम हुआ है और सस्ता हुआ है हेलीकॉप्टर का। तो दो यात्री हमारे घोड़े को ले आते हुए, ये कह रहे कि हम इनके साथ जाएंगे तो ले जाएंगे आगे। तो दो यात्री हमारे घोड़े को ले जाते हैं, और घोड़े वाला मेंबर, जो घोड़े वाला जिसका घोड़ा है वो पीछे है। ये यात्री है जो मुझे घोड़े को खींच रहे हैं, कह रहे इसके सारे हम भी चले जाएंगे आगे, मैंने चलो। अब बारिश का मौसम होता है, बारिश आ रही है लगी, सही है भाई, मौसम बढ़िया होगा। और गोलू का रेनकोट भी मेरे बैग में है। बढ़िया मौसम होगा, मौसम बढ़िया होगा, पर बारिश ना है, मौसम ऐसे रहे, मज़ा आ जाए। देखो भाई पसीने में हो रहे, बिल्कुल पसीने में हो रहे दोनों। तो भाई हमने तो पहन लिया रेनकोट, भाई ऑरेंज कलर का लिया मैंने, दोबारा मैंने यूनिक कलर लेते हैं कोई। अभी बारिश होने लगी, अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं, और एक घंटे हमारे साथ है, ये पता नहीं कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, कहाँ से, इन्हें भाषा समझ नहीं आ रही, इनके पास रेनकोट नहीं है। चढ़ाई पे जैसे नीचे उतरना डाउन होना होता है घोड़े पे, जैसे चढ़ाई हो रही है तो घोड़ा डाउन होना पड़ता है, आगे बेंड होना पड़ता है, वो भी नहीं समझ में आ रहा, इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं है। तो यही है इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल, और टाइम हो गया 11:22 भाई, 11:22 हो रही है, तो चलते। अरे अरे क्या हो गया मेरे यार, तो भाई 4:40 बज चुके, वैसे तो मैं 3:15 के आसपास पहुंच गया, 3:30 के आसपास, और अभी अपने आ चुके हैं भाइयों के पास, मतलब एक तरह से फूफा जी लगाया मेरे, और यहाँ पे अपना रहने की व्यवस्था है। इधर रुके, ये ला के चाय भी, गर्म पानी भी पी लिया अब चाय, और अभी गोल हुआ रहा बहुत पीछे भाई, कम से कम 6-7 किलोमीटर। ये
भाई शाम के बज रहे हैं 6:44 और यहाँ पे ऐसे कुछ नज़ारा इस तरह का और कुछ इस तरह का व्यू भाई, क्या ही प्यारा पहाड़ लग रहा, क्या ही प्यारा। और वहाँ पे है मंदिर, बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा मज़ेदार। जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई दर्शन करने, 1.5-2 घंटे दूर है। और उससे 1.5-2 घंटे हमारे दो भाई जो और आए हैं वो और भी दूर है, तो अभी तो बहुत टाइम है भाई उनके आने के लिए। और मैं तो पहुंच गया था लगभग 3:30 बजे, सही है। मैं अब नहाया तो है नहीं जो दर्शन करके आ जाऊँ, मैं सोच रहा था दर्शन करके आ जाऊँ पर मैं नहाया नहीं, कोई नहीं कल बढ़िया से दर्शन कर लेंगे। वहाँ पे है भैरव मंदिर, वहाँ पे कुछ लोग भाई ऊपर चढ़ गए हुए हैं, ये देखो ट्रैक कर करके, जिनके पास बहुत टाइम होता है वो जाते हैं भाई ऐसे जगह, हमारे पास टाइम की कमी रहती है हमेशा। नज़ारे देखो भाई, नज़ारे एंजॉय करो आप। हेलीकॉप्टर तो आज बहुत कम ही उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर तो उड़ के ही नहीं दे रहे क्योंकि भाई मौसम बादल ही आ रहे हैं, हालांकि बारिश इतनी नहीं पड़ रही। पर अब आया भाई बहुत देर में हेलीकॉप्टर, लगभग 2-3 घंटे में। ये वाला हेलीकॉप्टर है जो पैक कर दिया, और अभी मतलब इसी सीजन में स्टार्टिंग में ना ये डिसबैलेंस हो गया था, वहाँ से उड़ान भर रहा था मतलब हेलीपैड से, और ये एकदम से डिसबैलेंस हुआ, उड़ नहीं पाया ढंग से, और ये यहाँ कैसे गिर गया, मतलब फटाफटा नहीं जान बच गई। जितने यात्री इसमें होंगे या इसका पायलट जो होगा भाई, सोचो क्या ही बीतरी होगी उस बंदे पे, क्या मतलब जीवन बच गया भाई। और ये ऐसी कैसी जब से पैक है, पता नहीं इसका क्या होगा, होगा तो कुछ नहीं है, ठीक ठाक होगा शायद ये तो, या फिर इसे रिटायर्ड ही कर दिया जाएगा। और उधर मंदिर में भाई अपना कीर्तन वगैरह चल रहा है, इधर पहाड़ बढ़िया 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 नज़ारे भाई, बहुत प्यारे नज़ारे। और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या बना रहे हैं वो तो समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी यहाँ पे पूरे में चल रहा। और ये हेलीपैड, और उधर भी टेंट्स वगैरह अब तो काफ़ी बन चुके हैं। ये देखो भाई नज़ारे क्या प्यारा। रात के बज रहे भाई 9:38 और गोलू भाई आ चुके हैं हमारे पास, बराबर में लेट रहे हैं गोलू भाई, ये लेट रहे आते सो गए, ठंड लग रही है बहुत तगड़ी वाली। तो और जो दो भाई और हैं हमारे साथ वो भी बहुत नीचे हैं, वो लगभग 12-12:30 बजे तक ऊपर पहुँचेंगे हमारे पास तक। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इतना समाप्त करते हैं, छोटा मोटा व्लॉग बना होगा जैसे बना होगा देख लेना, ड्रोन शॉट डाल देंगे कुछ वो देख लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जल्दी से आ जाओ केदारनाथ दर्शन करने, बहुत प्यारे दर्शन करेंगे भाई, अभी रश कम है तो जल्दी से आ जाओ और दर्शन कर लो। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हर हर महादेव।